भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गुलजू महाराज की, गुलजू महाराज की, जागेश्वर धाम की, जागेश्वर धाम की। आज को महोत्सव के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष भाई रमेश ब्रह्मणा जी, हमारे इस अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय पंटा जी, इस जनपद के प्रभारी मंत्री और स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनेकों विभागों के मंत्री हंसल रावत जी, अभी आप जिनको सुन रहे थे, मातृशक्ति की प्रतीक उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, हमारे इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक भाई मनोज तिवारी जी, हमारे सल्ट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई महेश जीना जी, मोहन सिंह मेहरा जी, प्रमोद नैनवाल जी, यहां के पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय कैलाश शर्मा जी, पूर्व विधायक महेश नेगी जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक आदरणीय रघुनाथ सिंह चौहान जी, भाई अनिल साही जी, गोविंद पिलखवाल जी, कुंदन लटवाल जी, ललित लटवाल जी, सुभाष पांडे जी, ज्योति शाह जी एवं मंचा सिंह, सभी हमारे आए हुए सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण इस कार्यक्रम में बहुत देर से बैठी हुई बहुत बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति और इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन करने वाली यहां की जिलाधिकारी सुश्री वंदना जी, यहां के पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप राय जी, CDO श्री अंशुल जी एवं समस्त इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली टीम इस आजीविका महोत्सव में इतनी बड़ी संख्या में पधारे सभी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों, नौजवानों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं एवं प्रबुद्ध जनों का मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, जब भी मैं सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में आता हूं तो पुरानी यादों में खो जाता हूं। सहसा मुझे वो अपने उस समय का कालखंड जब युवा मोर्चा के नाते युवा राजनीति में सक्रियता से जब हम लोग इधर से उधर दौड़ते थे, तो इस जिले में जब भी मैं आया हूं, दिनों के प्रवास के दिन अक्सर यहां पर आने पर वह सभी याद आ जाते हैं। मेरा मानना है कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विशिष्टता को भली भांति समझना हो, अगर कोई बात समझनी हो कि यहां की सांस्कृतिक धरोहर क्या है, कहां से शुरू होती है, जैसा अभी अजय टमटा जी बता रहे थे, तो उनको अल्मोड़ा में कुछ समय बिताना चाहिए। अल्मोड़ा में कुछ समय बिताने के बाद निश्चित रूप से हम यहां की संस्कृति से सीधे सीधे परिचित होते हैं। भाइयों बहनों, पिछले साल भी मैं यहां आयोजित इस महोत्सव में आया था और ये महोत्सव एक मेले जैसा है। वहीं यह व्यापारिक और स्वरोजगार के क्षेत्र में आज मुझे हमारी जिलाधिकारी जी ने बहुत सारे लोग, कोई बंबई से आया है, कोई अन्य अन्य स्थानों से आए हुए हैं, अच्छे अच्छे स्टार्टअप के क्षेत्र में, अच्छे अच्छे स्वरोजगार के क्षेत्र में, और हमारी बहनें जो उत्पाद यहां पर बनाती है, हमारे भाई जो उत्पाद बनाते हैं इस हवालबाग में, आज उन सभी को इस महोत्सव के माध्यम से प्रोत्साहित करने का कार्य यहां पर किया गया है। इसके लिए मैं आप सभी को और आयोजकों को, विशेष रूप से यहां के जिला प्रशासन को, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में युवाओं को भी अपने कार्य करने का, हमारी बहनों को कार्य करने का एक शानदार मंच इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रहा है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि संपूर्ण विकास केवल तभी संभव है
जब सरकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक भी अपने अपने दायित्वों का अली प्रकार से उनका निर्वहन करें, हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपनी जिम्मेदारी को समझकर एक ध्येय होकर हम सब आगे बढ़ें, और हम सब अगर एक साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो हम लोगों का ध्येय है कि 2025 में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे, अगले 3 सालों में, अगले 5 सालों में और अगले 10 सालों में हमारी जो GSDP रेट है, जो हमारी यहाँ की ग्रोथ रेट है, जो हमारी आजीविका है, जो हमारा GST है, वो इतना बढ़ जाएगा कि किसी भी क्षेत्र में विकास के कामों को करने में कहीं पर भी कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। हमारे हाथ भी खुल जाएंगे, विकास के काम भी आगे बढ़ जाएंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार हर क्षेत्र में लगातार अपने कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। हम राज्य के लोगों को जहां रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं, आज मुझे बताया गया है कि आज के जो यहां पर RBI द्वारा जो पिछले साल ऋण की व्यवस्था दी गई थी वो लगभग 6 करोड़ के आसपास थी, और आज यहां पर बताया गया कि 20 करोड़ से भी ज्यादा, यानी कि 3 गुना ज्यादा यहां पर स्वरोजगार से जुड़ने का काम बना है। बैंकों ने उस दिशा में काम किया है, मैं इसके लिए भी आप सबको बधाई देना चाहता हूं। रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। आज भारत का चाहे रक्षा क्षेत्र हो, भारत का सीमा क्षेत्र हो, भारत का मातृशक्ति का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, जिन क्षेत्रों में हम पहले केवल आयात पर निर्भर रहते थे, आज हम आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। आज हम निर्यात की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे वो हथियारों का क्षेत्र हो, चाहे वो मिलेट का क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का कमाल है कि आज पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बजने लगा है, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ने लगा है, और भारत दुनिया को एक नई दिशा दिखाने का काम कर रहा है। भाइयों बहनों, जहां आज देश के अंदर आर्थिक प्रगति हो रही है, आर्थिक रूप से हम मजबूत हो रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब पूरा सेंसेक्स आया था पूरे विश्व का, तो हम कहां पहले 9वें नंबर पर, 10वें नंबर पर, 12वें नंबर पर होते थे, आज हम 5वें नंबर की इकोनॉमी में आ गए हैं। ब्रिटेन को पीछे छोड़कर, ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें नंबर की इकोनॉमी भारत बन गया है। भाइयों बहनों, आज जहां आर्थिक क्षेत्र में प्रगति हो रही है, वहीं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी लगातार काम हो रहा है। भारत की पुरातन संस्कृति व खोए हुए वैभव को आज किसी ने पुनर्स्थापित करने का काम किया है, चाहे वो आज धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो संस्कृति के क्षेत्र में हो, चाहे वो योग के क्षेत्र में हो, इन सबको स्थापित करने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार आज देश में बरसों से ठंडे बस्ते में पड़े लेकिन अति महत्वपूर्ण कार्यों को कुशलतापूर्वक पूर्ण करने का कार्य किया है, वह अद्वितीय है। चाहे आज हम अयोध्या की बात करें, अयोध्या में हम सब सोचते हैं, देखिए हमारे राजनीतिक दल अलग हो सकते हैं, राजनीतिक हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सब लोग आराध्य देव भगवान राम को मानते हैं। अगर हमको कोई भी तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, तो सबके मुंह से निकलता है हे राम, राम राम। और ऐसे राम का मंदिर, हम पता नहीं कब से नारा लगाते थे, कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लंबा कालखंड बीत गया लेकिन वो मंदिर नहीं बन पाया। भाइयों बहनों, यह राम लला का भी दिव्य और भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ। आज आकर अयोध्या जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो केवल हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का एक विशाल दिव्य और भव्य धार्मिक केंद्र बनने जा रहा है। इसी के साथ साथ चाहे काशी विश्वनाथ जाएंगे, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर वह भी अपने आप में अलौकिक रूप ले चुका है, दिव्य काशी और भव्य काशी के रूप में स्थापित हो चुका है। केदारपुरी हो, हमारे केदारनाथ धाम का हो या बद्रीनाथ धाम का हो, वहां पर पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से हो रहा है, मास्टर प्लान पर काम हो रहा है। वहीं भाइयों बहनों, देवभूमि के प्रति, उत्तराखंड के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, उसी का परिणाम है। जैसे डॉक्टर धन सिंह रावत जी बता रहे थे, आज ही हमने यहां पर 246 करोड़ रुपए की
जो योजनाएं हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में संचालित हो रही है उनको भी हमने वो धन भी आवंटन हो चुका है, उन पर काम भी प्रारंभ हो चुका है। बहुत तेजी से ये अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज को लेकर काफी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ तकनीकी दिक्कत आने के बावजूद हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी से अनेकों बार जाकर हमने निवेदन किया कि अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज हर हालत में चलना चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी का कि उन्होंने हमारे निवेदन को सुना और अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज आगे चलाने का मार्ग हमारा प्रशस्त हुआ। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में अनेकों ऐसे संस्थान यहां पर खुलने वाले हैं। इसके साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों का विकास कार्य जो एक जमाने में सपना लगता था और वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जमीन पर संभव होता दिख रहा है, चाहे आज रेल मार्गों से जुड़ना हो, हाईवेज का निर्माण हो, चाहे ये आने वाले समय में हमारा मानसखंड कॉरिडोर हो, ये सारे के सारे, चाहे एम्स जैसा अस्पताल हो या हमारा जमरानी बनने वाला बांध हो, एचएमटी की जो फैक्ट्री बंद हो गई थी उसकी चाहे भूमि हस्तांतरण का मामला हो या आज हमारी डबल इंजन की सरकार, इन सभी कामों को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। पिछले 5 सालों में अल्मोड़ा में लगभग 931 करोड़ रुपए की विकास कार्यों को हमने पूरा किया है। वर्तमान में यहाँ के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 559 करोड़ के कार्य प्रगति पर हैं और इसके साथ ही 5 करोड़ रुपए से कम लागत वाले भी 223 करोड़ के कार्य यहाँ पर गतिमान है। आज भी लगभग हमने जिन योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास किया है सब मिलाकर लगभग 298 करोड़ की योजनाएं हैं। भाइयों बहनों, हमारा संकल्प है कि हम अल्मोड़ा को भी आदर्श अल्मोड़ा बनाना चाहते हैं, नए स्वरूप में पुरानी जो पहचान है उस पहचान को पुनः यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि आधुनिक युग में प्रत्येक उत्तराखंडी अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मेरा मानना है कि अल्मोड़ा जिला इस सांस्कृतिक चेतना का ध्वज वाहक है। अगर किसी ने ध्वज आगे बढ़ाने का काम किया है, संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो यहाँ के लोगों ने किया है। आज का यह महोत्सव जहाँ हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने की हमारी इस जीत का भी प्रदर्शन कर रहा है। पिछली वर्ष हमारी सरकार ने इस महोत्सव को लोन मेला आयोजित कर यहाँ के युवाओं को टर्म लोन देने का यह काम प्रारंभ किया था, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं, इसीलिए यह लगातार प्रगति की ओर आगे को बढ़ रहा है। इसके साथ ही पिछले वर्ष जो कुमाऊं मंडल के पहले रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर का लोकार्पण किया गया था वह भी आज स्वरोजगार के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है। हमारा यह भी संकल्प है कि धीरे धीरे आजीविका के क्षेत्र में आवे करें और एक जो बड़ी समस्या आज पलायन के रूप में हमारे सामने आ रही है वो पलायन के रूप में वो पलायन रुकना चाहिए और हमारे नौजवान भाई हो या बहन हो उनको अपने स्थानों पर ही केवल वो रोजगार मांगने वाले न बने, आने वाले समय में वो रोजगार देने वाले बने। और यह भी मेरा मानना है कि युवाओं को यदि रोजगार के सही अवसर अपने प्रदेश में ही मिलने लग जाएंगे, अपनी भूमि को छोड़कर प्रदूषण से भरे हुए दूसरे अन्य नगरों की ओर पलायन कभी नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान का दिया हुआ हमारे पास प्रकृति द्वारा प्रदत्त जहां सुंदर वायु है, सुंदर वातावरण है, स्वच्छ वायु है, सुंदर वातावरण है, वही नदियों से आच्छादित है, वही वनों से आच्छादित है, देवभूमि है, यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति भी अच्छी है, तो निश्चित रूप से हमारे नौजवान भाइयों के लिए, युवा भाइयों के लिए जो रोजगार की ले अनेकों स्थानों पर जाते हैं उनको अगर अपने स्थानों पर रोजगार मिलने लगेगा तो प्लान कभी नहीं होगा। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में वोकल फॉर लोकल का नारा दिया, उसे धरातल पर उतारने हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इस महोत्सव में प्रतिष्ठित उत्पाद जितने भी यहाँ पर आज मैं प्रदर्शनी देख रहा था वह प्रदर्शनी लोकल फॉर वोकल के मंत्र को साक्षात रूप से संकल्प की ओर ले जाने का एक उदाहरण है। भाइयों बहनों, इकोनॉमी विद इकोलॉजी की बात मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि इकोनॉमी भी बढ़नी चाहिए लेकिन जो हमारा मूल स्वरूप है, जो हमारा यहाँ का शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण, शुद्ध जलवायु, वह भी बनी रहनी चाहिए। इसके अंतर्गत हम प्रदेश के समुचित विकास के साथ ही यहाँ के प्राकृतिक जो हमारे संसाधन है उसके संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे इस कार्य में अल्मोड़ा वासियों का लगातार उनका सहयोग प्राप्त होता रहा है। भाइयों बहनों, आप सबसे मिलने वाला आशीर्वाद, सहयोग, स्नेह और समर्थन ही हमारी पूंजी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह आपका मुख्य सेवक हमेशा और हमारी पूरी सरकार, हमारे सारे जनप्रतिनिधि, हम सब लोग एकमेव होकर
आप सबके साथ खड़े रहेंगे और आप सबका जो निश्चल प्रेम है उस प्रेम को हमेशा याद रखते हुए जो हमने संकल्प लिया है, विकल्प रही संकल्प, 1,25,00,000 भाई बहनों का यह संकल्प जरूर हमारा सिद्धि तक पहुंचेगा, जरूर हमारा गंतव्य तक पहुंचेगा, जिसमें हम सबको अपना अपना अपने अपने तरीके से सहयोग और मार्गदर्शन देना है। भाइयों बहनों, हम रात दिन मेहनत कर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं और इसमें लगातार विकल्प रही संकल्प को पूरा करने के लिए हर परिश्रम को हम लोग करने को, परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाने को यह हमारा संकल्प है। मेरा मानना है कि उत्तराखंड के निर्माण के लिए यह आवश्यक है, इस प्रकार के आयोजन प्रत्येक स्थान पर निरंतर होते रहे। आपके माध्यम से मैं प्रदेश की जनता से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार इसके लिए भविष्य में भी प्रयास करती रहेगी। आज मैं यहां आने से पहले आज चंपावत के एक कार्यक्रम में था और चंपावत के इस कार्यक्रम में हमने आज वहां पर 6 जो हमारे पर्वतीय जिले हैं उन 6 पर्वतीय जिलों के छोटे बच्चों का विज्ञान महोत्सव आयोजित किया था और उसके पीछे हमारी सोच थी कि प्रधानमंत्री जी का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग है वो अधिकाधिक होना चाहिए, हमारे बच्चों को नवाचार सीखना चाहिए, साइंस टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए, उनकी जो है सीखने की जो एक क्षमता है, उनके अंदर की जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को समाधान की ओर ले जाने का भी उनको कहीं ना कहीं उस दिशा में उनका मार्गदर्शन होना चाहिए, इसलिए हमने वहां पर एक काम किया। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि आप सब लोगों ने यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए, आप सब लोगों ने हम लोगों को अपना आशीर्वाद दिया, मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक दो घोषणाएं यहां की हमारी जो प्रमुख रूप से हैं मैं उनको करना चाहता हूं कि अल्मोड़ा का जो ऐतिहासिक पटाल बाजार है उसको प्राचीन शैली में चरणबद्ध रूप से पुनः विकसित किया जाएगा और महिला हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। जो महिला हॉस्पिटल है हमारा अल्मोड़ा का, इसके साथ साथ रानीखेत विधानसभा में NICU यूनिट सीटी स्कैन मशीन MRI मशीन उसके साथ में स्थापित की जाएगी। विकासखंड धौला देवी के गुणादित्य में बच्चों के लिए एक मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। सोमेश्वर में पौराणिक मंदिर जयंती जैत कोर्ट मंदिर में विद्युतीकरण का कार्य किया जाएगा। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज का नाम शहीद बिशन सिंह बोरा के नाम पर रखा जाएगा। द्वाराहाट विधानसभा के द्वाराहाट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मानकानुसार अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा। विकासखंड चौखुटिया में गढ़सारी तो गंगोलिया क्षेत्र में मोबाइल टावर की व्यवस्था कराई जाएगी। सल्ट विधानसभा में शिव मंदिर भिक्षासरण के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। मनीला फॉरेस्ट बंगले का पुनः निर्माण आधुनिकरण किया जाएगा। इसके साथ साथ द्वाराहाट में मेल्टा मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा। सोमेश्वर में सुनियाकोट सोनकोटली मोटर मार्ग का भी काम किया जाएगा। इसी के साथ मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और चूंकि आज ये पूरे अल्मोड़ा जनपद का पूरा कार्यक्रम है, इसमें देश विदेश से भी बहुत सारे लोगों ने प्रतिभाग किया है, मैं उन सभी का जिन्होंने इस स्टॉलों के माध्यम से अन्य अन्य माध्यमों से यहां पर अपना प्रतिभाग किया है उन सब का भी धन्यवाद करता हूं और आप सबका पुनः स्वागत करते हुए, धन्यवाद करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।